नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि एक ही परिवार के 3 लोगों को बदमाशों ने घर में घुसकर गोलियों से भूंज दिया है। बदमाशों ने 4 लोगों को गोलियां मारी थी जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि लोनी इलाके के रहने वाले व्यापारी रियाजुद्दीन के घर में बदमाशों ने हमला किया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारने की वारदात हुई है। अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर इस हमले में 3 लोगों की हत्या कर दी, वहीं एक बुजुर्ग महिला घायल है। ये घटना लोनी के टोली कॉलोनी में रविवार को देर रात हुई। पुलिस ने बताया कि रविवार को देर रात कपड़ा व्यवसायी रियाज उर्फ रियाजुद्दीन के घर में घुसकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी रियाज और उसके 2 बेटों अज्जू और इमरान और उनकी पत्नी को गोली मारी गई। इसमें व्यापारी रियाज और उनके दोनों बेटों की मौत हो गई, वहीं पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। रियाज की पत्नी की उम्र 60 साल है। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लोनी क्षेत्र में एक मोहल्ले में आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद हैं। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है, जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्कल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। तो क्या कोई लूट का मामला भी सामने आएगा? अभी इसमें सारे तथ्य नहीं आए हैं, बहुत जल्दी जैसे बाकी तथ्य आ जाएंगे आपको बता देंगे। पुलिस ने बताया कि एक टीम को घटनास्थल पर भेजकर जांच की जा रही है। लोनी में अभी 2 हफ्ते पहले ही बुजुर्ग दंपत्ति की भी हत्या हुई थी। दोनों को तार से गला दबाकर मारा गया था। बाद में पता चला कि बेटों ने ही प्रॉपर्टी के लिए माता पिता की जान ले ली। पिछले दिनों लोनी में बुजुर्ग से मारपीट के मामले में काफ़ी तूल पकड़ा था। बुजुर्ग से हुई उस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। मारपीट को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश हुई थी लेकिन बाद में सच पता चला। तो एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की गाजियाबाद इकाई को चुनौती दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों तक कब पहुँचती है। फिलहाल पूरे घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।